मेरे साथ सी वोटर के फाउंडर डायरेक्टर यशवंत देशमुख भी जुड़ गए हैं। यशवंत, पहले दो फेज को देखने के बाद लगा कि मामला कांटे का होने जा रहा है, तीसरे चौथे फेज में ऐसा क्या हुआ कि साइकिल जो है उसकी हवा निकलती हुई दिखाई दे रही है? समझना बहुत आसान है। पहले जो जो चरण है उसमें समाजवादी पार्टी का और आरएनडी का जो गठबंधन था, दरअसल उसको बहुत बड़ा फायदा हुआ। आरएनडी के गठबंधन के कारण ही समाजवादी पार्टी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक अपस्विंग देखने को मिली, और जाट मतदाताओं का जो समर्थन जयंत चौधरी को मिला, जो आरएलडी को मिला, उसके कारण पहले दो फेजेस का एक अपस्विंग दिखाई दिया और बीजेपी को नुकसान होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाहर न तो आरएलडी जैसा कोई और अलायंस पार्टनर था, न जयंत चौधरी जैसा कोई एक पैन रीजन लीडर था जो कि एक बड़े वोटों के समुदाय का अपना नेतृत्व अपने आप को बता सके और बोले कि ये सारे वोट मैं लेके आ सकता हूँ। इसलिए बचे हुए उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के बाद से बीजेपी ने लीड लेनी शुरू की, क्योंकि वो लीड बीजेपी की अपनी वोटर्स की। वैसे भी एक बात समझिए कि इन चुनाव में दरअसल समाजवादी पार्टी का जो भी अपस्विंग हमारे ट्रैकर में भी आ रहा था, 6 महीने से हम दिखा रहे थे, वो विपक्षी वोटों के अंदर का ध्रुवीकरण था। वो कोई बीजेपी से समाजवादी पार्टी की ओर स्विंग हो रहा हो ऐसा नहीं। इस कारण से जो जो 22% से 33-35% तक का जो सफर हमारे ट्रैकर में आपको दिखाई दिया, वो दरअसल जो बीजेपी के विरोध में खड़ी हुई विपक्षी पार्टियां थी, उन विपक्षी पार्टियों के खाते से समाजवादी पार्टी की तरफ जाने वाला वोट वो उस स्विंग को दिखा रहा था। लेकिन ये वोट ऐसा नहीं था जो बीजेपी से समाजवादी पार्टी को जा रहा हो। हमारे ट्रैकर में आपको याद होगा एक बार भी ऐसा मौका नहीं आया जब बीजेपी का वोट शेयर 40% से नीचे गिरा हो और समाजवादी पार्टी का वोट शेयर 35% के ऊपर गया हो। और 5% का ये जो गैप है, ये बहुत क्रिटिकल गैप है जो एग्जिट पोल में भी साफ साफ मेंटेन होता हुआ दिखाई दे। यशवंत, अभी अभी तीन फेज बाकी हैं, मैं उस पर भी आऊंगा, डिटेल में बात करेंगे, 9 बजे जाऊँ पूरा आंकड़ा दिखाएंगे जब आपसे हमको वो आंकड़ा मिल जाएगा। लेकिन अभी मैं मनीषा प्रियम के पास चलना चाहता हूँ। मनीषा जी, अभी तक जितनी सीटें दिखाई हैं चार फेज की, उसमें 130 से 146 बीजेपी दिखाई दे रहा है जो रेंज है, और सपा गठबंधन 77 से 93। और जो यशवंत देशमुख बोल रहे थे मनीषा जी, मैं वैसी से आपका आपके लिए सवाल करता हूँ, क्या राष्ट्रीय लोकदल पश्चिम में और पूर्व में ओम प्रकाश राजभर और इस तरह की जो पार्टी के साथ जो गठबंधन किया, वही सबसे बड़ा की थी अखिलेश यादव की सक्सेस की? और वो की अगर पूरी तरह नहीं चल पाई तो समाजवादी पार्टी गठबंधन क्या चुनाव हार भी सकता है, ऐसा हो भी सकता है 10 तारीख को? नहीं, मैं ये नहीं जानती कौन हारेगा कौन जीतेगा, लेकिन आपके आंकड़ों पर ही केवल जाएं तो ये स्पष्ट दिखता है कि अब तक गठबंधन के इलाके जहां तक रहे और सामाजिक समीकरण का साथ, दोनों ही आवश्यक रहा है, जहां ये बातें रही हैं गठबंधन और सामाजिक समीकरण, वहां तो दिखता है कि अच्छा प्रदर्शन दे रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर जो यादव लैंड का जो परफॉर्मेंस की बात आप कह रहे हैं, वो एक इकलौता फेज था जहां की अखिलेश जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी को अपने आप प्रदर्शन दिखाना था। तो कहीं ना कहीं शुरू से जब ये ट्रैकर्स दिखाए जा रहे थे यशवंत द्वारा और एनालिसिस की जा रही थी आपके चैनल पे, तो कई बार ये कहा जा रहा था कि बुंदेलखंड में कुछ और करना पड़ेगा, इस इलाके में सपा को कुछ और करना पड़ेगा। अगर अंत तक ये प्रश्नवाचक बने रहे तो कहीं ना कहीं ये सवाल सपा के लिए किया जाएगा कि उनका अपना परफॉर्मेंस कितना महत्वपूर्ण रहा, जहां गठबंधन रहा क्या वो वहां ज्यादा सक्सीड किए। अभी भी बाकी आगे के फेजेस देखने हैं, पहले मैं कोई पूर्वानुमान नहीं करना चाहती, लेकिन कहीं ना कहीं ये फेज जो है थर्ड फेज के जो नतीजे हैं उनको लेकर के, थर्ड और फोर्थ फेज को लेकर प्रश्नवाचक जो है वो उठाए जाएंगे। और आपके सर्वे जो है उसमें फासला इतना ज्यादा है कि ब्रिज भी अगर करता है इलेक्शन के टाइम तक तो। ABP News आपको रखे आगे।